उत्तर प्रदेश जनपद संभल के थाना केला देवी पुलिस ने एक ही परिवार के 3 लोगों को अपनी ही पुत्री की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही पुत्री की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस के अनुसार मृतक लड़की किसी लड़के से प्रेम प्रसंग करती थी और उसे इस जुर्म में जेल भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद मृतक लड़की दूसरे लड़के से प्रेम प्रसंग करने लगी। उसकी इन्हीं गलतियों की वजह से उसके परिवार ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जनपद संभल के थाना केला देवी क्षेत्र में 18 और 19 की जो मध्य रात्रि थी, उस समय पुलिस को एक सूचना मिली कि एक 15-16 वर्षीय युवती है, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और उसके परिजन है वो मौके पे विलाप कर रहे हैं। यह सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया, सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और उसके बाद में इस घटना के सफल अनावरण के लिए 3 सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमें रवाना की गई। प्रथम दृष्टया उन्होंने जो तहरीर लिखवाई उसमें दो नामजद उन्होंने डीएनएस के जो है केसेस के आधार पर उन्होंने मुकदमा लिखवाया। पुलिस ने सर्वप्रथम उन दो जो अभियुक्त नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद में उन दोनों लोगों का मौके पर नहीं होना पाया गया। उसके बाद में अग्रेतर विवेचना में सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमों द्वारा ये पता किया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति है वो यहाँ आया और बाद में उस घटना कारित करने के बाद चले गए हैं। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ये रिवील हुआ कि इस घटना में ये लोग, इसके परिवार के लोग, जिसमें गाजियाबाद के कड़कड़ मॉडल नाम की जगह पे रहते हैं, पिछले कई सालों से वहां पे रह रहे हैं, इन सब लोगों द्वारा एक कंस्पिरेसी बनाई गई कुछ दिन पहले कि किस तरीके से इस लड़की है इसकी हत्या की जाए, जो इनकी बेटी है और कईयों की बहन भी लगेगी। इसमें फिर 18 तारीख की शाम के समय माँ ने अपनी बेटी को वहां से बस में बैठा के लाती है, काफी भारी बारिश के बीच में, और सौंधन पे उतरने के बाद में उनका एक ब्रदर है, भाई है, वो उनको बाइक पे बैठा के लेके जाता है और दूसरा भाई है वो सामने से अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठ के आता है और चलती बाइक पर उस लड़की को उतार के उसके सिर में, उसके सीने में 2 गोली मारता है और उसके बाद में वह मामा के सहयोग से वापस फरार हो जाता है और गाजियाबाद चला जाता है। इस पूरी घटना का सफल अनावरण जो है हमारे थाना केला देवी पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें उनको एक 32 बोर की पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, 2 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके पे उस लड़की द्वारा अपने भाई के साथ जो स्ट्रगल हुआ है उसका घटना उसमें मौके से कुछ बाल और अन्य चीजें हैं वो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं वो पुलिस को प्राप्त हुआ है और एक घटना का सफल अनावरण है वो पुलिस द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं, मेरी जो सर्विलांस टीम है और जो सीसीटीवी की टीम है थाने की, उन सभी को 15,000 रुपये का इनाम की भी घोषणा करता हूँ। पूछताछ में इसके जो भाई हैं विनीत और नीरज और इसकी माँ, इन द्वारा बताया गया कि लड़की का चाल चलन उनको ठीक नहीं लगता था और काफी समझाने के बाद जब वो नहीं मानी तो इसी वजह से परिवार के सभी सदस्यों ने मिलके उसका जो है मर्डर करने का प्लानिंग बनाया था। तो सर ये क्या पहले वाले जो सर आरोपी थे दुष्कर्म के, सर केवल उनको फंसाना चाहते थे इसलिए सर उनके नाम सर है? ये एक सोची समझी साजिश थी इनकी, जिसके तहत ये चाहते थे कि पुलिस को जो 2 जो अभियुक्त नामजद हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और इन्होंने विभिन्न प्रेशर ग्रुप से भी और यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए ताकि पुलिस पे अनायास प्रेशर बना के जो नामजद अभियुक्त हैं ये लोग जेल चले जाएं, लेकिन पुलिस ने बिना किसी के दबाव में आए एकदम मेरिट के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए घटना का एक सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त आज जेल जा रहे हैं, जिसमें 2 सगे भाई और उनकी माँ, और माँ का जो भाई मामा है वो अभी भी फरार है, उसको जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। थैंक यू।
वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211342 9211478312 9911041832। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।